हेलो एवरीवन, माय सेल्फ योगेश कुमार चौहान इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दुर्ग। आवर कोर्स टाइटल इज ईपीई 5312 पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग ऑफ सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड। सो हमारा आज का टॉपिक्स हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था कि क्लीनर्स क्या क्या होते हैं, स्क्रीन क्लीनर्स जैसे कि, ठीक है। तो इसमें हम क्लीनर्स के साथ साथ हम ग्रेडर्स एंड सेपरेटर्स भी पढ़ेंगे। इसको मैंने पार्ट वन कंसीडर किया है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये इस सेशन में कंप्लीट हो सकता है। तो सो आगे स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि ये क्लीनिंग ग्रेडिंग एंड सेपरेशन इक्विपमेंट्स, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द क्लीनिंग ग्रेडिंग एंड सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बी परफॉर्म्ड बाय exploiting the difference in engineering properties of the material. These products may be used either for food or seed purpose. Various types of cleaning, grading and separation equipments have been designed and developed on the basis of the properties of the product to be handled. Thus, these equipments can be classified upon the following characteristics of the material: shape, size, specific gravity, weight, surface roughness, aerodynamic properties, ferromagnetic properties, color and electrical properties. सो बेसिकली ये क्लीनिंग ग्रेडिंग सेपरेशन जो होते हैं, क्लीनिंग मीन्स अपने को जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं प्रोडक्ट से उसको रिमूव करना क्लीनिंग है। ग्रेडिंग उसको जो भी हमारे ग्रेन्स हैं उसको साइज़ के अकॉर्डिंगली, उसके शेप के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना। सेपरेशन दोनों का कंबाइंड फॉर्म मीन्स सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए किसी प्रोडक्ट से, उसको सेपरेट करना सेपरेशन है, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, जो भी क्लीनिंग ग्रेडिंग सेपरेशन इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल में जैसे शेप, साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटीज एंड वेट, सरफेस रफनेस, एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे टर्मिनल वेलोसिटी एंड ड्रैग कोएफिशिएंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो आगे देखते हैं। जैसे ये है सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, साइज मीन्स ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। सो पहले इसमें हम देखते हैं स्क्रीन क्लीनर। इट परफॉर्म द सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द साइज अलोन। द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड द फॉरेन मटेरियल इज ड्रॉप्ड ऑन द स्क्रीन सरफेस विच इज वाइब्रेटरी आइदर मैनुअली और मैकेनिकली। अ सिंगल स्क्रीन कैन बी मेक द सेपरेशन इंटू टू फ्रैक्शन। द स्क्रीनिंग यूनिट मे बी कंपोज ऑफ द टू और मोर स्क्रीन एज पर द क्लीनिंग रिक्वायरमेंट। A hand operated screen cleaner used for cleaning the grains and, ठीक है। सो इसमें हम डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग सीव्स हैं, एक सेकेंड ना ये, ठीक है। इसमें नीचे में नेमिंग लिखी हुई है, ये कौन सा क्या कंटेंट है आप देखते रहिएगा, मैं एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हैंडल है यहाँ पे, ये हमारा फ्रेम और स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें दो तीन टाइप्स के सीव्स लगे हैं अकॉर्डिंग टू जिसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे पैडी वीट उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें नीचे में सीव्स लगे हैं। सो ये क्या होता है, ये हैंगिंग टाइप का होता है, ये लटका हुआ रहता है और इसमें हम लोग जस्ट झूला टाइप का इसको झुलाते हैं। सो इसमें क्या होता है, जब ऊपर में ग्रेन फिल किया जाता है, यहाँ पे ग्रेन रखा जाता है, तो उसमें से क्या होता है, जो उससे स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब स्मॉलर ग्रेन जो होते हैं जो होल से पास हो जाते हैं, तो वो नीचे वाले ग्रेन में, नीचे वाले कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। अगर उससे और छोटे हैं तो और नीचे, ठीक है। और उसमें अगर डस्ट इम्प्योरिटीज वगैरह हैं तो और नीचे डायरेक्ट ग्राउंड सरफेस पे भी गिर जाता है। सो फिर उसके बाद ये कलेक्ट हो, नीचे में कलेक्ट हो गया, देन यहाँ से ये आउटलेट किया जाता है, ठीक है। और ये हैंडल है, इसके थ्रू हम लोग मैनुअली ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, बाकी इसमें वही लिखा है कि डस्ट, डर्ट, ब्रोकन ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं हम लोग, सीड ग्रेडर, ठीक है। अ टिपिकल सीड ग्रेडर इज शोन इन दिस फिगर।
इस कंसिस्ट ऑफ द होपर सीट रोलर फॉर कंट्रोलिंग द फीड रेट सेट ऑफ थ्री सीव्स पुली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सिस्टम आउटलेट्स फ्रेम एंड इलेक्ट्रिक मोटर ठीक है एंड द सीव आर डिटैचेबल एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय सुटेबल सीव इफ द अदर राउंड ग्रेन आर टू बी ग्रेडेड द सीड इज पुट इन टू द होपर एंड इट इज ड्रॉप्ड इन ऑन टू द सीव थ्रू द फीड रोलर ठीक है सो इसमें बेसिकली क्या है डायग्राम पे फोकस करना ये ठीक है ये हमारा होपर है ये पोर्शन वन जो है वो हमारा होपर है यहाँ पे ये हमारा पुली है ठीक है पुली बोल सकते हैं या इसमें फीड रोलर भी बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग को उसको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में या एक अमाउंट में अपने को प्रोडक्ट को फीड करना है जब ये यहाँ से प्रोडक्ट फीड हो रहा है ठीक है जब प्रोडक्ट यहाँ से फीड हुआ फीड होने के बाद यहाँ पे हमारे सीव्स लगे हैं ये इस फ्रेम के थ्रू हैंगिंग कंडीशन में मीन्स लटके हुए हैं ठीक है और ये हमारा यहाँ से मोटर इलेक्ट्रिक मोटर इसको प्रोवाइड किया जा गया है ताकि इसमें वाइब्रेटरी मोशन हो सके ठीक है फिर ये जब मोशन प्रोवाइड करेगा तो इसमें अगर ग्रेन आएगा तो वो क्या करेगा उसको सेपरेट कर देगा और ठीक है उसमें से जो भी भूसा वगैरह है जो भी उसमें प्लांट रेसिड्यूज हैं उसको वो सेपरेट कर देगा और ग्रेन इसके थ्रू नीचे आएगा और यहाँ से वो कलेक्ट हो जाएगा ठीक है इसमें जैसे दिखाया फर्स्ट वन इज होपर सेकंड पुली है थर्ड हमारा है फीड रोलर फोर्थ है हमारा हैंगर ठीक है पांचवा है हमारा सीव पांचवा हमारा सीव छठवा हमारा फ्रेम सातवा हमारा सीड आउटलेट ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड नट ग्रेडर द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ग्राउंड नट ग्रेडर इज शोन इन दिस फिगर इट कंसिस्ट ऑफ द फीडिंग होपर टू ऑक्सिलेटरी सीव ब्रशेस बिलो द सीव टू अवॉइड द क्लॉगिंग फ्रेम एंड इलेक्ट्रिक मोटर दीज आर टू ऑक्सिलेटरी सीव विच आर ऑक्सिलेट बाय द इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म एट द हेड एंड ऑफ द सॉर्टिंग सीव एंड द स्प्रेडिंग इज प्रोवाइडेड टू क्रिएट यूनिफॉर्म लेयर फॉर एफिशियंसी इन ग्रेडिंग द मैकेनिज्म ग्रेड ग्राउंड नट पॉड्स करनल इन टू द थ्री डिस्टेंस ग्रेड अकॉर्डिंग टू द साइज ग्रेड वन ग्रेड टू एंड द रिजेक्टेड ठीक है सो इसमें क्या है इसमें पार्ट्स को बताया गया है कि कौन सा पार्ट क्या है फर्स्ट वन फीड मीन्स होपर ठीक है सो यहाँ से जस्ट ये पिछले टाइप का ही सिमिलर है ठीक है इसमें क्या होता है ये यहाँ पे हमारे सीव्स हैं इसमें जब प्रोडक्ट को यहाँ से पास किया जाता है तो जो भी छोटे साइज के पार्टिकल्स मतलब प्रोडक्ट होंगे वो इससे पास हो जाएंगे पास होने के बाद सेम इसमें भी इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म दिया गया है मोशन के लिए और वाइब्रेटरी के लिए ठीक है फिर वो यहाँ से इधर पास हो जाएंगे ठीक देन कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से लार्जर साइज के कलेक्ट हो जाएंगे अगर इसमें कोई भी वेस्टेज है मीन्स प्लांट रेसिड्यूज हैं वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे ठीक है सो नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि ये सेपरेटर है ठीक है ये मोस्टली ग्रेन्स वगैरह को हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि वीट पैडी ये सब ठीक है द डिस्क तो इसमें पहला है डिस्क सेपरेटर द डिस्क सेपरेटर सेपरेट मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन लेंथ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट द सेपरेशन हैज पॉकेट और इंडिकेशन ऑन इट्स सरफेस व्हेन द मैकेनिज्म व्हेन द मशीन इज ओपन द स्मॉलर साइज मटेरियल आर स्कैटर्ड इन द पॉकेट व्हेन द लार्जर वन आर रिजेक्टेड इट इज यूज्ड स्पेशली टू रिमूव द डिसिमिलर मटेरियल्स लाइक वीट राई मस्टर्ड बार्ले फ्रॉम ओट्स ठीक है द इंडेंटेड डिस्क सिलेंडर ये इंडेंटेड टाइप का है ठीक है इसमें क्या है जैसे कि ये हमारा सेपरेटर है ठीक है सेपरेटर्स में ऐसे टाइप के सॉर्टर्स हैं
ठीक है। इसमें क्या है, जब इसमें फिल किया जाता है, जब इसमें अपने सैंपल को डाला जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट को, तो इसमें होल्स टाइप के बने हैं छोटे छोटे समझो, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब इसमें डाला जाता है तो वो जो उस साइज के जो होल्स होंगे, मतलब ग्रेन की ग्रेन उस होल्स में फिल हो जाता है। फिल होने के बाद क्या होता है, जो भी उससे बड़े साइज के जो होंगे वो उसमें अच्छे से फिल नहीं होंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसका वर्किंग इतना ही है कि अकॉर्डिंग टू ये साइज है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली ये सेपरेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बाकी डिटेलिंग उसी का दिया हुआ है। वी पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें पॉकेट्स बने होते हैं जिसमें वो पॉकेट्स में हमारे ग्रेन्स कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो उससे लार्जर साइज के जो होंगे वो उसमें कलेक्ट नहीं हो पाते और उसको रिमूव कर लिया जाता है सरफेस से, ठीक है, बस यही लिखा। फिर उसके बाद है इंडेंटेड सिलेंडर सेपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, द इंडेंटेड सिलेंडर सेपरेटर ऑल्सो सेपरेट द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लेंथ लाइक डिस्क सेपरेटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग सिलेंडर विच हैज इंडेंट ऑन द आउटसाइड सरफेस। द इंडेंट आर द क्लोजली स्पेस्ड एंड हेमी स्पेकल इन द शेप व्हेन द मिक्सचर आउट ऑफ द ग्रेन इज फीड इन टू द एंड ऑफ द सिलेंडर। इसमें बेसिक ये हमारा मशीन है या सेपरेटर है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा अगर है, अगर मतलब स्क्रू कन्वेयर, जैसे कि ये ऐसे टाइप के होते ना, यहाँ से फीड हुआ तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट उसको पास करते जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट को इसमें डाला जाता है तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट इसमें थ्रेड्स बने हुए, मतलब ऐसे खांचे बने हुए हैं, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट इसके साथ रोल करता है तो जो भी स्मॉलर साइज के पार्टिकल होंगे जो इसमें गेप में फिल हो जाते हैं वो इसमें फिल हो जाएंगे और जो लार्जर साइज के होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। तो जब ये जाएगा ऊपर जाता है ये, तो यहाँ से वो कुछ को पकड़ के ले जाता है और ये ऊपर में डाल देता है। वहाँ से फिर ये कन्वेयर जो भी अगर है, स्क्रू कन्वेयर है, ठीक है, वो उन ग्रेन को आउटलेट सेक्शन तक डिस्चार्ज कर देते हैं और बाकी जो होते हैं वो नीचे में ही कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको फिर वो इनको भी सेपरेट कर लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये जैसे है स्पायरल सेपरेटर, तो स्पायरल में समझ रहे हो, ये डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, स्पायरल है तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो राउंड शेप में हों, ठीक है, जो स्पायरल टाइप के हों, जिसको इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स फीड करेंगे वो राउंड होते होते आउटलेट सेक्शन नीचे में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। द स्पायरल सेपरेटर सेपरेट द ग्रेन्स एज पर देयर राउंडनेस। द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेपरेटर इज अ स्टेशनरी ओपन स्क्रू कन्वेयर स्टैंडिंग ऑन वन एंड। द मिक्सचर इज फीड इन द टॉप ऑफ द यूनिट। द राउंड मटेरियल ऑफ द मिक्सचर पिक अप द स्पीड दे स्लाइड और रोल डाउन द इंक्लाइंड सरफेस अंटिल देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम सफिशियंट इनफ टू द थ्रो देम इन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा, यहाँ से प्रोडक्ट आता है, ठीक है, प्रोडक्ट फिल किया जाता है, तो वो यहाँ से राउंड होते होते बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे, स्मॉलर साइज भी होंगे, लार्जर साइज भी होंगे, ठीक है। तो स्मॉलर साइज के जो भी पार्टिकल होंगे वो थोड़े ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे एज कंपेयर टू इसके, ठीक है, लार्जर वन के, तो वो क्या करेंगे और इजीली पास हो जाएंगे किसी किसी के बीच से, जो भी लार्जर पार्टिकल्स होंगे उनके बीच से भी पास हो जाएंगे। उसका जो स्पीड होगा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो वो जो होंगे वो नीचे में कलेक्ट होंगे और जो
लार्जर होंगे वो ऊपर में कलेक्ट होंगे, ठीक है। सो सेम इतना ही था इसमें, सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।